हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग M34 5G फ़ोन में आप लोग ब्लूटूथ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में ब्लूटूथ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, ब्लूटूथ जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, या कनेक्ट होने के बाद भी यहाँ पर ब्लूटूथ बार बार डिसकनेक्ट हो जा रहा है, तो अगर आपके फ़ोन में भी कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है गाइस, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा गाइस आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लूटूथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो यहाँ पर से सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस, जनरल मैनेजमेंट का, देख सकते ये रहा वो ऑप्शन। तो इस जनरल मैनेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और एकदम लास्ट में आप लोग देख सकते हैं गाइस एक रीसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स का। तो इस रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स पर जो है आप लोगों को क्लिक कर देना है, और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रीसेट सेटिंग्स का। अगर हम यहाँ पर से रीसेट सेटिंग्स पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारा वाईफाई सेटिंग, मोबाइल डाटा सेटिंग, उसके बाद ब्लूटूथ सेटिंग भी यहाँ पर से रीसेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर से रीसेट सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से जो है आप लोगों का अपना फ़ोन का पासवर्ड को डाल देना है। डालने के बाद फिर से रीसेट का ऑप्शन आएगा, तो फिर से हम रीसेट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही देख सकते हैं नेटवर्क सेटिंग जो यहाँ पर से हमारा रीसेट हो गया है, उसके साथ यहाँ पर जो आप लोगों का ब्लूटूथ सेटिंग होगा वो भी रीसेट हो जाएगा। और ब्लूटूथ सेटिंग रीसेट होने के बाद आप लोगों का जो ब्लूटूथ प्रॉब्लम है वो भी ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने सैमसंग M34 5G फ़ोन में ब्लूटूथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।